नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। फांसी लगाकर की आत्महत्या, खड़े ट्रक से टकराई युवक घायल, खिरजा के चक्कर में गवाई जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फांसी लगाकर की आत्महत्या, अलीपुर में प्रवासी बस्ती निवासी किशोर राउत ने पत्नी पर मायके जाने से मौका का लाभ उठाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर। इसकी सूचना प्रफुल्ल सहारे ने मृतक की पत्नी को दी और पत्नी मद्दा में उनके किशोर की शराब पीने की लत से कारण बताते हुए आत्महत्या करने की बात स्पष्ट की। बढ़ते अगली खबर की ओर। खड़े ट्रक से टकराया टिप्पर, घावड़े में अमरावती से नापुर जाते समय जमीन खान, अमीन खान और गरीब रूप से घायल हो गए। गमीर खान का बाइक से जाते समय अमरावती में विवाह हुआ था, शामिल होने के जा रहे थे और रात के समय बाइक से लौटते समय जमीर खान का अरश के हाथ से पर आ गया। फोन पर इसकी सूचना मिलने पर परिजनों ने कारजा पुलिस में अस्पताल जाकर उनकी भर्ती कराई। घायल जमीर खान ने बताया कि ट्रक चालक ने सावधानी के लिए कुछ भी उपाय योजना नहीं रखी थी, इस कारण उनकी बाइक उससे टकरा गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। किट के चक्कर में गवाई बाइक, आवरी में महांगल्लम मंगल कार्यालय में किट वितरण के दौरान एक श्रमिक की अज्ञात चोरों ने बाइक गवा ली। आयोग महाजन किट लेने के लिए सरकार मंगल कार्यालय में गया था। मंगल कार्यालय के पास के एक दुकान पर अशोक ने बाइक खड़ी की थी, लौट कर आने के बाद उसकी बाइक चोरी मिली। वक्त चार दर्शक ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।